हेलो एवरीवन, नमस्कार, श्री अकाल, राम राम, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है, तो एक्टिविटी के लिए इन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को बुला लिया है एक्टिविटी एरिया में। इनको कार्य दिया गया है, इसमें देविका, जिया और एल्विस तीनों शॉपकीपर बनेंगे और टॉयज बेचेंगे। जो बाकी के मेंबर्स हैं वो मोती के बदले में टॉयज खरीदेंगे। जिसके पास लास्ट में ज़्यादा मोती होंगे वो विनर ऑफ द वो चला जाएगा फिनाले वीक में। बाकी जो फिनाले है उसको कोई भी इन बिटवीन, जब तक फिनाले नहीं होता तब तक कोई भी उसको नॉमिनेट नहीं कर सकेगा, ना ही बाहर कर सकेगा। साथ साथ उसके पास कैप्टनसी की पावर भी आ गई। इन्होंने एक इसमें कंडीशन और रखी है कि कोई भी जब शटर डाउन करेंगे तो कोई भी दूसरे जो मेंबर्स हैं वो मोती निकाल लेंगे, किसी की भी मोती निकाल के दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं। सो गेम स्टार्ट हो चुकी है। इस गेम का एक राउंड ख़त्म हो गया। इसमें जिसने जिसके मोती उठाने थे उठा लिए, प्राइज उठा लिए। सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। सेकंड राउंड से पहले इन्होंने नए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है कि नए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो। इसमें काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है। अभिषेक और अविनाश की लड़ाई हो रही है। उधर जैद भी अपनी हरकतों पे आ रहा है। जैद और आशिका में काफ़ी बहस हुई। सेकंड राउंड में काफ़ी शोर शराबा चल रहा है। एक दूसरे के मोती लूटे जा रहे हैं, टॉयज लूटे जा रहे हैं, लूट के दूसरों के बॉक्सेस में डाले जा रहे हैं। जब डालते हैं तो दूसरा कोई ना कोई आके लूट के ले जाता है। एल्विस की सपोर्ट में अभिषेक, मनीषा और आशिका है। बेबिका की सपोर्ट में पूजा, अविनाश, जैद, ये बेबिका और जिया की सपोर्ट में खड़े हैं सारे। ये चाहते हैं कि एल्विस ना जाए फिनाले में, चाहे बेबिका चली जाए चाहे जिया चली जाए। इनका टारगेट मेन अविनाश है, इनका मेन टारगेट एल्विस है। काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट हो गई, काफ़ी गलत बातें बोल रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन एल्विस, जिया और बेबिका ये तीनों साइलेंट खड़े हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जिसकी सपोर्ट करते हैं उसके लिए हीटेड आर्गुमेंट होने चाहिए। इसमें संचालक है, जो संचालक की भूमिका कर रहा है अविनाश कर रहा है, क्योंकि अविनाश एल्विस के अंगेंस्ट है। ये जिया और बेबिका की सपोर्ट में है, बेसिकली ये जिया की सपोर्ट में है, बेबिका की सपोर्ट में कम है, लेकिन इनका मेन मोटिव है एल्विस के अगेंस्ट। देखो कितनी हिपोक्रेसी है। पूजा भी अकेले एल्विस को शिकार बनाई बैठी है। सारे ने एल्विस को शिकार बनाना शुरू कर दिया, जितने भी हैं। राउंड ख़त्म हो चुके हैं। काउंटिंग की गई तो एल्विस के 58 मोती, जिया के 58 मोती और बेबिका के पास 25 मोती हैं। और टॉयज हैं, जो टॉयज एल्विस के पास टॉयज 14 हैं, जिया के पास 4 हैं, लेकिन
देखते हैं बिग बॉस प्राइस के बेस पे करता कि नहीं करता, अदरवाइज करना चाहिए क्योंकि जब ट्राई होगी तो ट्राइज भी काउंट फॉर कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइज लेने के लिए भी मेहनत की है। मेरे हिसाब से तो ट्राइज को भी कंसिडर करना चाहिए, बाकी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करता है वो, कैसे तड़का लगाता है, देखते हैं। अभी गेम रुकी हुई थी, देखते हैं क्या चल रहा है। डिसाइड अभी हुआ नहीं, काफ़ी कंफ्यूजन चल रही है। कसम कस एक बार ज़रूर है, इसमें सारी पार्टीज़ ने पूरी तरह अपने अपने बंदों को जिताने की कोशिश की, मैनिपुलेट भी किया, सही भी किया, गलत भी किया। वैसे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बिग बॉस ने घर के मेंबर्स के ऊपर छोड़ दिया कि बताया जाए, क्योंकि 58 58 एल्विश और दिया के हैं। बिग बॉस कहता है कि आप डिसाइड करो कि दोनों में से किसी एक को किसको जाना चाहिए, नॉट ओनली मतलब वन, उसका मतलब है कोई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर तो कोई नहीं जाना चाहिए फिर तो इसका मतलब टास्क रद्द हो गया, अगर कोई जाना चाहिए फिर उसका मतलब बिग बॉस ने डिसाइड करना था बाद में कि क्या करे, किया जाए क्या ना किया जाए। वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता क्या ना बनाता, वो जिसको उसने भेजना था फिर उसके हिसाब से वो मैनिपुलेट करता या जैसे भी करता, क्योंकि टफ फाइट थी। दोनों टीम्स ने काफ़ी अच्छा खेलने की कोशिश की, चाहे इसमें किसी ने किसी की सपोर्ट की उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये गेम है, गेम का पार्ट है, गेम के पार्ट में सपोर्टर सही भी चलते हैं गलत भी चलते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये रहा कि जिया और एल्विश दोनों ठीक हैं अभी तक। बेबी का जरूर लूज़ कर गई अपना टेंपर, अब बाद में क्या हुआ डिसाइड किया गया, बेबी का कहती नहीं रद्द करो कोई ना जाए, उसके बोलने से अविनाश ने भी एंडोर्स कर दिया। इवन मैंने देखा कि पूजा भी नहीं चाहती थी कि कोई जाए टिकटों फिनाले, क्योंकि उसने क्लियर कट कह दिया कि एल्विस तो भी आया है, कि मैं नहीं चाहती कि एल्विस जाए। इसका मतलब उसके दिमाग में क्लियर कट है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, ये जीतने नहीं चाहिए। वैसे तो सबके दिमाग में ही है कि ये जीतने नहीं चाहिए नंबर एक पे, तो नंबर दो पे जो यूट्यूबर्स नहीं हैं वो बेसिकली अंदर से इंटरनली वो जेलस फील कर रहे हैं। 5 वोट्स डली इसके अगेंस्ट, 5 वोट्स ने मतलब कि कहा कि रद्द किया जाए कोई ना जाए, 2 वोट्स आशिका और मनीषा वो चाहती थी कि जाया जाए, एक को लेके जाया जाए कि बिग बॉस डिसाइड करे। अभिषेक ये तो टाइम बताता, लेकिन मेरे हिसाब से अभिषेक स्मार्टली खेल गया, वो कहता ठीक है, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो कहेगा कि किसी एक को लेके जाया जाए तो अगर ओनस घर वालों के हाथ में आता तो 3 सपोर्टर थे एल्विश के सपोर्ट में, दूसरी तरफ 4 हो जाते जिया के सपोर्ट में, क्योंकि एल्विश को तो लग रहा था कि पूजा उसके साथ है, लेकिन पूजा उसके साथ नहीं थी, पूजा तो एंटायरली उससे उसके अगेंस्ट है। तो अल्टीमेटली रद्द कर दिया गया। दोनों को डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है, एल्विश को भी और जिया को भी, लेकिन ठीक है जो भी है। अल्टीमेटली अब पूजा अभिषेक को समझाने की कोशिश करी अलग से कि तू भाई अपनी गेम खेल, तू भाईचारा छोड़ दे,
देखो कितनी गलत बात है, आप तो खुद अपने बंदों की सपोर्ट कर रही हैं, इसको बोल रहे हैं कि तू भाईचारा छोड़ दे। अभिषेक के दिमाग में क्लैरिटी है, अभिषेक कोई बच्चा नहीं है कि वो सोचेगा छोड़ दूं मैं। चलो आपने डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।